अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राज जी पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आगमन के दौरान ही आम आदमी पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस का दामन थाम लिया, क्या कहेंगे? एक बड़ी उपलब्धि है, आगमन पर ही इतने सारे लोग जो है कांग्रेस से जुड़ गए। मैं तो यही कहा ना कि भाई आज अलीगढ़ के लोगों में एक उत्साह उमंग दिखाई दिया। ये सभी लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का कारवां बढ़ रहा है। अभी कल का परिणाम हरियाणा और जम्मू कश्मीर आएगा। पूरे देश का माहौल 24 में बदला था, कल के बाद जो बचे खुचे चीजें सब बदल जाएंगे। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेंगी उपचुनावों में? क्योंकि अरे भाई मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर 10-10 जीतेंगे, भाजपा का सुपड़ा साफ करेंगे। कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ खड़ी है और कल जबरदस्त ये सम्मेलन होने वाला है। कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग है। क्या कहेंगे जिस तरह से दो सीटों पर कांग्रेस अपने वर्चस्व कायम करना चाह रही है, दो सीटें कौन कौन सी है? नहीं, हमारी जो सीटें हैं हम 10-10 पे काम कर रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और हारेंगे। तो पीडी गठबंधन का क्या होगा फिर? आप मिलकर, मैंने कहा मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे, 10-10 मिलकर लड़ेंगे और हराएंगे। क्या रणनीति आपकी रहेगी चुनाव में? रणनीति है जनता को जगाना और इनकी गलत चीजों को जनता के बीच में बताना, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और पूरी तरीके से बुलडोजर का मुंह घुमाना, ये सारी चीजें रहेंगी और निश्चित तौर से आम जनता को जागृत करेंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे। नरसिंहानंद के द्वारा बयान जो दिया गया बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है, ये प्रायोजित है। नरसिंहानंद को गिरफ्तार करे सरकार और रासुका NSA के तहत कार्रवाई करके उनको जेल भेजे। कल यह संविधान बचाओ सम्मेलन जो हमारा कल 3 हो गया, 4th है, उस पर हम लोग मजबूती से आगे 10 विधानसभा में करने जा रहे हैं। तो लोग हैं लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा 10 विधानसभा सीटों में जीत के दावे किए हैं। फिलहाल अगर उपचुनाव की बात कही जाए तो विधानसभा खैर में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपने दमदम के साथ पूरी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अलीगढ़ पहुंचे, उनके द्वारा विधानसभा खैर में बड़ी जीत के दावे किए हैं। कांग्रेस की अगर बात कही जाए तो विधानसभा खैर के उपचुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहती, यही कह रहे हैं। लगातार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो या फिर वो अन्य पदाधिकारी अलीगढ़ के विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव पर नजर है, जमाए हुए नजारे। विधानसभा खैर की अगर बात कही जाए तो 4 लाख के लगभग यहां पर मतदाता है। भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो अब तक 100 से ज्यादा उम्मीदवार जो है लगातार कतार में नजर आ रहे। अगर आम आदमी पार्टी की बात कही जाए तो वहां आम आदमी पार्टी भी जीत की दावेदारी की बात कर रही है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा यह है जिस तरह से आजाद समाज पार्टी की अगर बात कही जाए तो आजाद समाज पार्टी के द्वारा भी विधानसभा खैर में हर संभव जीत की बात कही, यानी कि आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जो जब अलीगढ़ पहुंचे थे तो उनके द्वारा विधानसभा खैर में जीत का परचम लहराने के दावे किए थे। सबसे बड़ी मुश्किल या ये नजर आई है जिस तरह से आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, अहम मुद्दा यह है यहाँ RLD का घर कहा जाता था, RLD और भारतीय जनता पार्टी में दोनों में विलय है, लेकिन इसके बावजूद भी RLD अपनी अलग तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग तैयारी करती नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के द्वारा यहाँ PDA के तहत जीत के दावे किए हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।